फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन 24 है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, वो क्या है हमारा डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो एक वीडियो हमने बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था केवल कि ये होता क्या है। आज हम यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के सेक्शन 22 या सॉरी रूल 22 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से, मतलब इस जो बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं उसको फाइल करने के लिए या उसमें जो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है, किस तरह से उसको कंप्लीट किया जाता है। तो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट सेक्शन 24 और ये रूल 22 में दिया गया है, रूल 22 में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली। तो रूल 22 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि जो प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को दिया जाएगा उसमें क्या क्या विवरण अंकित होंगे। पहला है द नेम, पेरेंटेज एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता, प्लॉट नंबर, एरिया एंड बाउंड्रीज ऑफ द लैंड अलोंग विद इट्स लोकेशन, अवस्थिति के साथ भूखंड संख्या, क्षेत्रफल कितना है उसका और भूमि की सीमाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उस भूमि के क्या है वो आपको बताना है, प्रिसाइज नेचर ऑफ डिस्प्यूट, जो विवाद है उसका नेचर क्या है। क्लॉज 2 इसका कहता है रूल 22 का कि नो एप्लीकेशन फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ द कोड। सेक्शन 24 किसका? यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का। ऑफ द कोड शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज अकंपनीज्ड बाय सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मैप, खसरा एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑन द बेसिस ऑफ विच डिमार्केशन इज साउट एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1000 पर सर्वे नंबर ऑफ द एप्लीकेशन एज फी फॉर डिमार्केशन हैज बीन पेड बाय द एप्लीकेंट। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, पहला तो जो आपकी एप्लीकेशन होगी, पहला हमने रूल में बात की क्लॉज 1 में कि उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर होंगे। रूल 22 का क्लॉज 2 ये कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका डिमार्केशन आपको कराना है जमीन का, उसका आपको मानचित्र चाहिए, उसका खसरा चाहिए, उसका अधिकार अभिलेख मतलब कि खतौनी चाहिए, वो भी सर्टिफाइड, और अगर ये संलग्न नहीं किए गए हैं, और इसके अलावा हर एक सर्वे संख्या के लिए ₹1000 उसकी फीस होगी, सरकारी फीस जो होती है वो अगर आपकी जमा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। रूल 3 कहता है, सॉरी रूल 22 क्लॉज 3 कहता है इसका, इफ द एप्लीकेशन इज फॉर डिमार्केशन ऑफ टू और मोर देन टू एडजॉइनिंग प्लॉट्स, ओनली वन सेट ऑफ डिमार्केशन फी शैल बी पेएबल, बट वेयर द सर्वे नंबर्स शाउट टू बी डिमार्केटेड आर नॉट एडजॉइनिंग, सेपरेट सेट्स ऑफ डिमार्केशन फीस शैल बी पेड। जहां आपके जो दो भूखंड है जिनका सीमांकन होना है अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं तो आपको केवल ₹1000 देने हैं, अगर दो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, और अगर अलग अलग जगह पर हैं तो आपको फिर 1000 पर सर्वे नंबर के हिसाब से आपको देना है। इसके बाद नंबर 4 आता है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द कंसर्न्ड ऑफिशियल शैल चेक एप्लीकेशन एज टू वेदर द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड और नॉट, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑफ नॉर्मल नेचर द एप्लीकेंट और हिज काउंसिल शैल बी परमिटेड टू रिमूव द डिफेक्ट एट वंस, बट वेयर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन हैव नॉट बीन फुलफिल्ड द एप्लीकेशन शैल बी अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी एज शाउट फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। तो जहां कोई आप उसको जहां देते हैं तो संबंधित कर्मचारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और अगर कोई माइनर मिस्टेक है तो जो एप्लीकेंट है उसको या उसके अधिवक्ता को उसको
पूरा करने की, तुरंत पूरा करने की इजाजत दी जाएगी, और अगर कमी जो है वो इस नेचर की है कि तुरंत पूरा नहीं हो सकती तो उनको वापस कर दिया जाएगा कि आप इस कमी को पूरा करके लाइए। नंबर 5, एज सून एज द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड द ऑफिशियल कंसर्न सेल रजिस्टर द एप्लीकेशन इन द रजिस्टर कंसर्न एंड पुट अप द सेम बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर SDO 4, या जिसको हम SDM कहते हैं, यहाँ SDO कहेंगे, फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर। जैसे ही सारी औपचारिकताएं उपेक्षाएं पूरी कर दी जाती हैं, संबंधित कर्मचारी उस प्रार्थना पत्र को जो संबंधित रजिस्टर है उसके लिए बनाया गया है उसमें दर्ज करेगा और आदेश के लिए SDO या उप जिलाधिकारी के सामने उसको प्रस्तुत कर देगा। नेक्स्ट है नंबर 6, द सब डिविजनल ऑफिसर शैल पास ऑर्डर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे डायरेक्टिंग द रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अदर रेवेन्यू ऑफिसर टू डिमार्केट द प्लॉट और प्लॉट्स एज द केस मे बी आफ्टर फिक्सिंग अ डेट एंड सर्विंग द नोटिस इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ टू ऑल द टेन्योर होल्डर कंसर्न द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल ऑफिसर। अभी तक क्या हुआ, अभी तक पहले आपने एक एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की, खसरा खतौनी और जो मानचित्र है और जो फीस है वो आपने दी, उसके बाद जो आपने ऑफिस में दी उसने चेक किया, अगर कोई कमी है तो आपको वापस कर दिया पूरी करने के लिए, या उसी समय हो सकती है तो वहीं पूरा करा लिया। उसके बाद SDO साहब को, SDM उप जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने फॉरवर्ड किया। अब उस दिन या उससे नेक्स्ट वर्किंग डे पर जो SDO साहब हैं वो ऑर्डर देंगे RI को, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या अदर किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, कि आप इसकी डिमार्केशन इसका करिए, इस पर एक एक्चुअली रिपोर्ट उसमें एक आती है। अब उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट बनेगी कैसे, उसके लिए कुछ यहाँ पर औपचारिकताएं बताई गई हैं कि जो भी संबंधित पार्टी हैं उनको आपको पहले नोटिस देना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सर्वे बिना संबंधित पक्षकार को नोटिस दिए बिना किया गया है तो वो, इसका मतलब कि वहां पर रूल 22 के जो ये सब रूल है इसका 6, इसका पालन नहीं किया गया है और इस आधार पर उसको चैलेंज किया सकता है। दूसरी बात यह है कि अपने आप में जब आर्टिकल 14 आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर नेचुरल जस्टिस की बात आती है, नेचुरल जस्टिस उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये नेचुरल जस्टिस की बात है कि जब दो पक्षकार या दो से ज्यादा पक्षकार किसी मामले में इन्वॉल्व हैं तो आपको उनको समुचित मौका देना चाहिए। अगर कहीं पर किसी सर्वे किया जा रहा है, जो हम बात अब यहां कर रहे हैं, तो वहां पर जो पक्षकार हैं उनको पहले नोटिस देना चाहिए, RI को या जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो नोटिस पहले देंगे कि जी इस डेट में हम आपका सर्वे करेंगे, आप वहां पर उपस्थित रहेंगे। और अगर इस तरह का नोटिस नहीं दिया जाता है तो इस आधार पर भी उस रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में ये सर्वे किया गया है और इसको दोबारा कराया जाए, ठीक है। अब यहां एक बात और है कि क्या मान लीजिए मैं एक पार्टी हूं, मैं वहां हूं, लेकिन मैं साइन करने से मना कर देता हूं, जी मैं साइन नहीं करूंगा, तो फिर वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 1 महीने के अंदर, जिस डेट में उपजिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया हो उसके 1 महीने के अंदर ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो नंबर 7 है सब रूल 6 का, सॉरी मैं इसे सब कई जगह पर क्लॉज बोल गया था, सब रूल हम इसको बोलेंगे। तो सब रूल जो है 7 वो है, द नोटिस अंडर सब रूल 6 ऑफ दिस रूल शैल बी सर्व्ड ऑन द कंसर्न टेन्योर होल्डर और इन हिज एब्सेंस ऑन हिज एडल्ट फैमिली मेंबर, द नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड ऑन द चेयरमैन ऑफ द लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो इस जो रूल सब रूल जो 6 में हमने पढ़ा, वहां पर अगर खातेदार नहीं है तो उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को नोटिस की तामील की जा सकती है। इसके अलावा वह नोटिस जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके अध्यक्ष पर भी तामील की जाएगी। 8, एट द टाइम ऑफ डिमार्केशन ऑफ द प्लॉट द स्पॉट मेमो शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द रेवेन्यू इंस्पेक्टर। जब यह डिमार्केशन का काम किया जाएगा तो वहां पर स्पॉट मेमो तैयार किया जाएगा,
रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा और अदर रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, द सेम शैल बी साइंड बाय ऑल पार्टीज कंसर्न एंड बाय द चेयरमैन ऑफ द लैंड मैनेजमेंट कमेटी और एनी टू इंडिपेंडेंट विटनेस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डिमार्केशन. इफ एनी पार्टी रिफ्यूज टू साइन द स्पॉट मेमो, द एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट शैल बी मेड बाय द रेवेन्यू इंस्पेक्टर. तो जो मेमो तैयार किया जाएगा उस पर सभी पार्टियों के, तैयार करने के बाद सभी पार्टियों के सिग्नेचर होंगे, और इसके अलावा LMC उस गांव की, जो भी गांव है उस गांव की जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन के भी सिग्नेचर होंगे. इसके अलावा दो इंडिपेंडेंट जो गवाह हैं, विटनेस हैं, उनके साइन भी उस पर होने चाहिए. अगर कोई भी पक्षकार साइन करने से मना करता है तो एंडोर्स में उसके पीछे इस बात को बताया जाएगा कि इसने, इन लोगों की उपस्थिति, ये लोग थे यहां पर उपस्थित और इस पक्षकार ने साइन करने से मना कर दिया. नेक्स्ट है सब रूल 9, द रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अदर रेवेन्यू ऑफिसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ डिमार्केशन विद स्पॉट मेमो विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिमार्केशन. जिस दिन डिमार्केशन होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. द नेम एंड द एड्रेस ऑफ एवरी इफेक्टेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट. और उस रिपोर्ट में जो भी पार्टीज उससे इफेक्टेड हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, उनके सभी के नाम उसमें, नाम और पते उसमें होंगे. नेक्स्ट है 10, सब रूल 10, ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट अंडर सब रूल 9 द नोटिसेस शैल बी इशूड विद इन 1 week टू ऑल अफेक्टेड पार्टीज इनवाइटिंग द ऑब्जेक्शन ऑन द रिपोर्ट एंड द डेट शैल बी फिक्स्ड Which shall not be later than 15 days from the date of issuing the notice. तो इस पूरे जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो भी पक्षकार हैं उनको नोटिस इशू होगा, और नोटिस इसलिए इशू होगा कि वो जो रिपोर्ट आई है उस पर अपने ऑब्जेक्शन दे सकें. इसके बाद 11, ऑन द डेट फिक्स्ड और एनी अदर डेट टू विच द हियरिंग इज adjourned, द सब डिविजनल ऑफिसर शैल डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द कोड, कोड मतलब यूपी रेवेन्यू कोड, एंड पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट एंड द ऑब्जेक्शन इफ एनी फाइल्ड अगेंस्ट द रिपोर्ट एंड अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड. इसके बाद अकॉर्डिंग टू जो रूल 2 है सेक्शन 24 का रेवेन्यू कोड का, उसके हिसाब से और जो रिपोर्ट आई है इसके इसको, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है उन सारी चीजों को सुनने के बाद और सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद, अगर किसी पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है तो वो चैलेंजेबल है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. सब क्लॉज 12, सब रूल 12 पर आते हैं. इफ द रिपोर्ट इज कंफर्म्ड बाय द सब डिविजनल ऑफिसर द बाउंड्री पिलर शैल बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली विद इन ए पीरियड ऑफ 1 week एंड रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ शैल बी सबमिटेड विद शैल बी ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड. और अगर उपजिलाधिकारी उस आख्या की पुष्टि कर देते हैं तो इसके एक हफ्ते के अंदर उसके अनुसार सीमा स्तंभ जो है वो नियत किए जाएंगे और उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी जो अभिलेख का भाग होगी. तो दो तीन चीज़ें और हैं लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न था आपको बताने का इस पूरे प्रोसीजर को का, वो यही था कि अक्सर क्या होता है प्रैक्टिकली कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं या लेखपाल होते हैं अगर किसी पक्ष के प्रभाव में आ जाते हैं, कई बार किसी पक्ष को बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सभी जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके, तो वो जो कारण होते हैं उसकी वजह से एक पक्ष में वो झुकाव रखते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए. तो वहाँ पर आपके पास ये मौका है, जाहिर है अगर कुछ गलत करेंगे तो चोरी करें, मतलब यहाँ मेरा मतलब है कि छुपाएंगे आपसे कुछ ना कुछ, दूसरी पार्टी को मौका ना देने की कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टी सर्वे के टाइम पर प्रेजेंट ना रहे. तो ये भी एक अच्छी प्ली होगी कि सर्वे के टाइम पर या इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया था, या कई बार छोटी छोटी जितनी मैंने चीज़ें बताई वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं, जैसे कि दिशा कई बार नहीं बताते हैं रिपोर्ट में या बहुत सारी चीज़ों को जानबूझकर छिपाते हैं. तो
तो हम अगर ये रूल हमको पता है तो हम ये देख सकते हैं कि क्या 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 जो रिपोर्ट बनाई गई है। मेन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो जो आरआई जो रिपोर्ट बनाते हैं इस तरह के मामले में वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी से ही आपका सारा जो वाद है, जो ये डिस्प्यूट है, वो डिसाइड होता है। तो आप ये जानिए कि क्या प्रोसीजर है, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो यही था। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।